अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं आज आप लोगों को CS 506 की असाइनमेंट है जावा की, उसको हल करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, जब हम CMD में जावा में बहुत ज़्यादा क्लासेस यूज़ कर रहे हों, तो हम उन क्लासेस को आपस में, यानी कि मेन क्लास में लाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं पैकेज का। तो ऑलरेडी जो सोल्यूशन पड़ा हुआ था, तकरीबन मैं बहुत टाइम मिल नहीं मिल रहा था, मैंने वैसे 1-2 दिन घंटे लगाए भी उस पर, 1-2-3 घंटे, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तो बाद में मैं भी ऐसे सर्च करके मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला। तो दोस्तों, इस तरह है कि आपने सबसे पहले, आपके पास जो कोड है उसको ओपन करना है, और उसको एक फोल्डर, लाइक मैं अभी एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप पे, इस फोल्डर का कोई नाम दे देता हूँ, CS 506 मैंने नाम दे दिया, या 101 दे देता हूँ, ये कोई नाम दे दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले आपने अपनी मेन जावा की जो हमारी फाइल है, ये वाली एडिट, इसको रखना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी। और पेस्ट कर देना है। ठीक है, हमारी एक फाइल आ गई। दोस्तों, दूसरी चीज़ क्या करनी है, इसके अंदर, इसी जहाँ जावा की आपने फाइल रखी है, इसके साथ ही आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देना है, जो भी आप नाम रखना चाहें। मैं लिख देता हूँ माई पैक 1, इसका नाम रख दिया। ठीक है, और इस वाले कोड को, जो मेरे पास दो अदर क्लासेज हैं, कॉट की और प्रोडक्ट क्लास, इन दोनों को कॉपी करता हूँ और माई पैक के अंदर रख देता हूँ। तो दोस्तों, अब चेंजिंग क्या करनी है, सबसे पहले तो आप लोगों ने इधर इस क्लास को ओपन करना है, प्रोडक्ट वाली को, और इसके अंदर यहाँ पे देखें, इम्पोर्ट से पहले जावा एक्स डॉट स्विंग लिखा हुआ है, इससे पहले आपने एक पैकेज इम्पोर्ट करना है। पैकेज का नाम जो हमने वहाँ फोल्डर का नाम रखा था, माई पैक है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी पैक लिखा हुआ है, मैं 1 लिख देता हूँ, माई पैक 1 लिख दिया। ठीक है, इसी को आप लोगों ने कॉपी करना है और इसको कंट्रोल एस कर देना है, सेव कर देना है, सेव कर देना है यहाँ पे, ये देखें सेव, और इस क्लास को कर देना है आप लोगों ने क्लोज। अब दूसरी कार्ट वाली को आप लोगों ने ओपन करना है, एडिट पे जाना है, और इसमें भी देन वही वाला पैकेज जो है, पैकेज दे देना है, पैकेज 1, और इसको भी आप लोगों ने कर देना है सेव। सेव करने के बाद दोस्तों, हमने ये पैकेज जो है मेन क्लास में ऐड करना होता है, इंपोर्ट करना होता है, तो आपने मेन क्लास पे राइट क्लिक करना है, एडिट पे जाना है, और यहाँ पे भी आप लोगों ने माई पैक 1 स्टार, और स्टार है यानी के डॉट स्टार का मतलब ये होता है, इसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं हम वो मेन क्लास के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने अपना पैकेज इंपोर्ट माई पैक 1 इसके अंदर इंपोर्ट कर दिया, तो इसको कर देना है क्लोज। CMD कमांड ओपन करनी है दोस्तों, ओपन करने के बाद यहाँ पे जाना है, CD डायरेक्टरी हमने चेंज करनी है, डेस्कटॉप पे चलते हैं, डेस्कटॉप। तो दोस्तों, हम डेस्कटॉप पे आ गए, डेस्कटॉप पे आने के बाद हम अगेन डायरेक्टरी चेंज करते हैं, CS 101 के नाम से मैंने फोल्डर का नाम रखा था, क्रिएट किया था, ये हम CN। तो जब सबसे पहले हमने जावा कंपाइलर को कॉल करनी है, जावा सी, उसके बाद हमने जो हमारी मेन क्लास है उसका नाम लिखना है एम AIN सी बड़ा है, AWS, इसका खास ख्याल रखना है, डॉट JAVA जावा। ठीक हो गया, इसको इंटरप्रेस करें, तो ये मेरे पास कंपाइल हो गई है। अब इसको रन करना है, आप इस एरर को इग्नोर कर दें, उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो JDK का वर्जन है वो ओल्ड है, उसकी वजह से ये आ रहा है। तो इसको आप लोग कॉल करें जावा रन करने के लिए, जावा मेन CLASS क्लास, उसके बाद इंटरप्रेस करें। तो दोस्तों, ये देखें आपके पास आउटपुट शो हो गई है, आप कुछ भी लिखें, मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ ऐड करने के लिए, तो ये देखें 2, अगेन स्पेसिफाई करें रकम, ओके हो गया, वो कहता है डन करें इसको, 5। तो मैं अपना बिल देखना चाहता हूँ या एम्प्टी करना चाहता हूँ, मैं 3 पे जाके चेक करना चाहता हूँ अगेन, तो मेरे पास ये बिल है, ओके करता हूँ, अगेन मैं 5 प्रेस करता हूँ, डिवेलपर पे एंड पर नाम शो होना चाहिए डिवेलपर का, तो मैं 5 ऐड करता हूँ, ये देखें दोस्तों इस तरह। तो आपने इस तरह प्रोजेक्ट अपना रन करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिल सके।